नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में एक बार फिर नौकरियों की बहार आने वाली है। दरअसल केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। यह बहाली अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 पदों के लिए है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है। परीक्षा आयोजन की तिथि संबंधित जानकारी बाद में दी जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के बारे में। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 12वीं तक की पढ़ाई किया हो। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदक का उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आवेदक का उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी व अन्य राज्य के उम्मीदवारों को ₹450 आवेदन शुल्क देने होंगे। वहीं बिहार के एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹112 है। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट से जुड़े नियमों के बारे में। सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। अब बात करते हैं इन पदों पर बहाल होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। इन पदों के लिए वेतनमान लेवल 3 निर्धारित की गई है, यानी कि चयनित लोगों को 21,700 से 69,100 मासिक वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के बारे में। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और फुलाकर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना जरूरी है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। चयन की मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। सिर्फ गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।